स्टूडेंट, आज ये मेरा चौथा वीडियो है जिसमें हम यूनिट वन की जो एक्सरसाइज बची हुई थी उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने इसके पहले ये बी एक्सरसाइज तक कंप्लीट किया था पहले वीडियोस में, जिसमें मैंने बताया था कि जिसके एंड में एफ या एफ ई ओ उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए उसको हटा करके क्या लगा देते हैं, वी एस। आज हम लोग आगे पढ़ रहे हैं सी वाला, जिसमें आपको बताया है यू ऑलरेडी नो द वर्ड्स गिवन बिलो, राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ दिस नाउंस। आपको अब इसमें न तो यस लगाना है, न इसमें ईएस लगाना है, न वी एस लगाना है, बल्कि इसमें जो प्लूरल फॉर्म होता है अलग प्रकार से चेंज हो रहा है, जिसको आपको बताया, जैसे वुमन, डब्ल्यू ए एम एन वुमन, इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा WOMEN वुमेन। क्या हो जाएगा? वुमन वुमेन। मैन मैन, एम ए एन मैन, इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा MEN मैन। थर्ड है आपका चाइल्ड, CHILD चाइल्ड, तो इसका क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की स्पेलिंग CHILDREN। क्या होगा स्पेलिंग? CHILDREN चिल्ड्रन। अगला है डियर, डियर का प्लूरल फॉर्म डियरी होता है। नेक्स्ट है आपका फूट, फूट का प्लूरल फॉर्म होता है फीट। माउस, माउस का प्लूरल फॉर्म होता है माइस। शिप, शिप का प्लूरल फॉर्म शिप ही होता है। और टूथ, टूथ का प्लूरल फॉर्म क्या होता है बेटा? टीथ। क्या होता है? टीथ। अब आप लोगों को यहाँ पर ये पूरे प्लूरल फॉर्म वाले आप लोगों के खत्म हुए, सिंगुलर से आपने प्लूरल में बदला, जिसमें सबसे पहले आपने ईएस लगाना सीखा था सबसे पहले, उसके बाद आपने ईएस लगाना सीखा, फिर आपने आईईएस लगाना सीखा, उसके बाद फोर्थ में आपको वीएस वाला क्वेश्चन आए हैं, और आप लोगों ने उसके बाद कि जिसमें एस ईएस न लगाते हुए उसका एकदम स्पेलिंग चेंज हो जाती है वाला प्लूरल फॉर्म सीखा। इन पूरे प्लूरल फॉर्म वाले एक्सरसाइज को आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, इसी में से आपको क्वेश्चन आएगा कि राइट द प्लूरल फॉर्म, आपको वर्ड्स दे दिए जाएंगे उसके प्लूरल फॉर्म आपको लिखने होंगे, तो आपको इसको पूरा याद अच्छी तरह से याद करना है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? अब मैं यहाँ पर डी वाला पढ़ रही हूँ। ग्रुप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि फूलों का गुच्छा जिसको हम बोलते हैं बुके, जैसे हमने किसी को फूलों का गुच्छा देते हैं, किसी का अगर हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं, किसी चीज का समारोह कर रहे हैं, तो हम किसी को फूलों का गुच्छा देते हैं तो हम बोलते हैं बुके, है ना, फूलों के गुच्छे को देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ये बुके दे रहे हैं। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, उस चीज को जो बुके शब्द है वो उसका क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। क्या कहलाता है बेटा? कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स आर ऑफन यूज्ड विद प्लूरल कॉमन नाउन्स। जो कॉमन नाउन के जो प्लूरल फॉर्म होते हैं वो उसको क्या कहा जाता है बेटा? कलेक्टिव नाउन। जैसे हमने कहा कैट, जब बहुत सारी कैट हो जाएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे कि जो उसको उसके लिए जो चीज यूज होगी तो उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। जैसे रोज है, मैंने बताया आपको कि रोज है, रोज का अगर हमने गुच्छा बना लिया, उसके बुके बना लिया, तो उसको जो उसके गुच्छे को क्या बोलेंगे? हम बुके बोलेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन बताया। जैसे फ्लावर्स आपका कॉमन नाउन है, जब बहुत सारे फ्लावर्स हो जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? बुके। क्या बोलते हैं उसको? बुके। बुके की स्पेलिंग थोड़ी अलग होती है, इसको याद रख लीजिएगा, BOUQUET। इसको बकेट नहीं पढ़ते, इसको बुके पढ़ते। क्या पढ़ते? इसको बुके। अब उसके बाद है जैसे कीज, कीज मतलब होता है चाबी, कीज मतलब ये कॉमन नाउन है, बहुत सारी कीज है, तो उसको उसका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा बंच। अब बंच ऑफ कीज, चाबी के गुच्छा, बंच ऑफ कीज का मतलब होता है चाबी का गुच्छा। यू ऑलरेडी नो मेनी ऑफ दिस कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर हम लोग ने बहुत सारे कलेक्टिव नाउन आपको पहले से पता होंगे, और यहाँ पर कुछ दिए हैं जिसको आपको यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, फिर से मैं पढ़ रही हूँ कि जो कॉमन नाउन है उसको एक ग्रुप में जो बोलते हैं उस ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा? कलेक्टिव नाउन। क्या बोल रहे हैं उसको? कलेक्टिव नाउन। जैसे फ्लावर्स के गुच्छे को बोलते हैं बुके, कीज के गुच्छे को बोलते हैं बंच। क्या बोलते हैं यहाँ पर? बंच। अगला आपको इसी में दिया है एक्सरसाइज में, मैच द फॉलोइंग, डू दिस एक्सरसाइज ओरली इन क्लास, हाउ मेनी डू यू रिमेम्बर। पहला दिया है, यहाँ मैच करना है आपको, अ बुके ऑफ, बुके किसका होगा? रोजेस। क्या होगा ये? रोजेस। बुके किसका होगा? फ्लावर, मतलब ये रोजेस फ्लावर है। दूसरा है अ बंच ऑफ, बंच ऑफ किसका होगा? बनानास, बनानास है ना, केले के, जब केला हमने एक साथ लाइक आते तो उसको बोलते बंच, अ बंच ऑफ बनानास। थर्ड है आपका अ क्लम्प ऑफ, क्या पढ़ा मैंने इसको? अ क्लम्प ऑफ, तो ये हो जाएगा क्लम्प ऑफ क्या आ जाएगा? ट्रीज, जब बहुत सारे पेड़ एक जगह होते तो उसको बोलते हैं अ क्लम्प ऑफ ट्रीज। समझ में आ गया इसको? अगला है आपको दिया है अ क्रू ऑफ, क्या दिया है?
अ क्रू ऑफ, तो उसमें आएगा सेलर्स, क्या आ जाएगा इसका आंसर, सेलर्स, क्या आंसर हो जाएगा इसका, सेलर्स। और लास्ट है आपको अ फ्लॉक ऑफ, तो शिप, क्या आ जाएगा, शिप, जब बहुत सारी भेड़े खड़ी होती तो उसको बोलते हैं अ फ्लॉक ऑफ शिप। समझ में आ गया आपको, ये आपका मैच कर दिया है मैंने, ये इधर आपके कलेक्टिव नाउन है और ये आपके कॉमन नाउन है। तो इसको अभी आप ये वाला जो पोर्शन है इस चीज को भी आप कॉपी में नोट डाउन कर देंगे। मैच द फॉलोइंग में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि अ बुके ऑफ, अ बंच ऑफ, अ क्लंप ऑफ, अ क्रू ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, क्लियर। तो ये एक्सरसाइज को भी आप लोग कॉपी में मैच द फॉलोइंग करके इसको कॉपी में कर लेंगे। क्या आंसर क्वेश्चन होगा इसका, मैच द फॉलोइंग। समझ में आ गया। अगला है ई एक्सरसाइज है आपकी, राइट द नाउन्स गिवन इन द वर्ड बॉक्स इन द करेक्ट कॉलम, रिमेंबर टू बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन्स विथ कैपिटल लेटर्स। आपको यहाँ पर, अब आप लोगों ने नाउन में तीन प्रकार के नाउन पढ़ लिए थे, पहला नाउन आपने पढ़ा था कॉमन नाउन, दूसरा नाउन पढ़ा था आपने प्रॉपर नाउन, और तीसरा नाउन आपने पढ़ा था अभी जो हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन पढ़ा हमने, कलेक्टिव नाउन। नाउन पढ़ा था हमने, नाउन की हमने डेफिनेशन बताई थी मैंने आप लोगों को, नाउन की डेफिनेशन, और नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एंड एनिमल्स आर अ थिंग, ये नाउन की डेफिनेशन थी। उसके बाद हमने कॉमन नाउन पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने प्रॉपर, इसके बाद हमने कॉमन नाउन पढ़ा था, फिर हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा था, और थर्ड हमने जो पढ़ा था अभी कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन पढ़ा था हमने, कलेक्टिव नाउन। अब इस एक्सरसाइज में आप लोगों को तीन कॉलम दिए हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। यहाँ बॉक्स में आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, आपको इन वर्ड्स को इनके कॉलम में डालना है। जैसे पहला शब्द दिया है आप लोगों को इटली, इटली किसी एक पर्टिकुलर देश का नाम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। फ्रेंड, फ्रेंड आपका काय में आ जाएगा बेटा, कॉमन नाउन में। नीना, और आप लोग इटली का जो आई होगा, इटली का आई क्या करेंगे, क्योंकि प्रॉपर नाउन ऑलवेज इसका इनिशियल लेटर जो होता है कैपिटल होता है, तो इटली का आई क्या बनाएंगे, कैपिटल। नीना, नीना भी किसी एक लड़की का नाम है, तो उसका एन आई एन ए नीना, ये प्रॉपर नाउन में आएगा, एन कैपिटल होगा। स्कूल, स्कूल जो शब्द है ये आपका कलेक्टिव नाउन में आएगा। जैसे जो फिश होती है, जब बहुत सारी फिश होती है तो उसको बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश, क्या बोलते हैं इसको, स्कूल ऑफ फिश, क्या बोलते हैं इसको, स्कूल ऑफ फिश। अगला शब्द है माउंटेन, माउंटेन आपका कॉमन नाउन में आएगा। कॉलोनी, कॉलोनी आपका कलेक्टिव नाउन में आएगा। कॉलोनी किसको बोलते हैं, जब बहुत सारी एंड्स एक जगह इकट्ठी होती है तो उसको बोलते हैं कॉलोनी ऑफ एंड्स, क्या बोलते हैं इसको, कॉलोनी ऑफ एंड्स। फिर है उसके बाद अगला नंबर दिया है मिस्टर मेहता, ये किसी एक का पर्टिकुलर नाम है किसी व्यक्ति का, तो एम इसका कैपिटल होगा, मिस्टर मेहता। अगला दिया है फैमिली, फैमिली आप लोगों का ये भी कलेक्टिव नाउन होगा, क्योंकि फैमिली जैसे एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं तो उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ मेंबर्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। अगला दिया है फ्लावर, तो फ्लावर आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा। बर्ड, बर्ड आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा। पेरिस, पेरिस किसी स्थान का नाम है, तो पेरिस का भी कैपिटल होगा, ये प्रॉपर नाउन में आएगा। टीम, टीम आप लोगों का कलेक्टिव नाउन में आएगा, जिसको बोलते हैं जैसे टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स का जहां पर बहुत सारे प्लेयर्स इकट्ठे होते हैं तो उसको बोलते हैं टीम ऑफ प्लेयर्स। फिर उसके बाद है रिवर, रिवर आप लोगों का कॉमन नाउन में आएगा, लेकिन गंगा, गंगा आपके रिवर है लेकिन एक पर्टिकुलर नाम है, तो ये गंगा आपका प्रॉपर नाउन में आएगा। और लास्ट है आपका क्राउड, क्राउड जो शब्द है ये आपका कलेक्टिव नाउन में आएगा, क्योंकि क्राउड ऑफ पीपल, जहां बहुत सारे लोग खड़े होते हैं उसको बोलते हैं क्राउड, तो ये आपका काय में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। ये एक्सरसाइज आप कॉपी में मत करिएगा, तो आप लोगों को मैंने जो कॉपी में करने का नाम दिया है वो आप लोगों के प्लूरल फॉर्म्स और ये मैच द कॉलम करने का दिया, इसी को छोड़ दीजिएगा, मत करिएगा, इसको सिर्फ बुक में लिख लीजिएगा, क्लियर। लेकिन आपको समझना सबको है, क्योंकि आगे इसके आगे जब आप क्लास फोर में जाएंगे तो इसी से रिलेटेड आपको आगे एक क्लास में आएगा, इसलिए इन चीज़ों को अभी आप समझ लेंगे तो फोर्थ में इसके आगे का जो पढ़ेंगे उसको समझने में आसानी होगी। क्लियर, यहाँ तक के समझ में आ गया। अब है अगला लास्ट है आप लोगों का, लिसन केयरफुली, आपको सुनना है इसको, लिसन केयरफुली टू व्हाट योर टीचर से, कीप अंडरलाइनिंग द कलेक्टिव नाउन्स एज द स्पीक, एज शी स्पीक्स। जैसे आप लोग प्लेइंग कार्ड्स देखते हैं, प्लेइंग कार्ड्स का मतलब सबको मालूम है, जो आप लोग प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, ताशपत्ती जिसको बोलते हैं, उस प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, तो उस कार्ड का गुच्छे को, उस पूरे बंच को, उस जो गुच्छ उसका जो कार्ड्स होते, जो 52 कार्ड्स होते हैं उसको बोलते हैं पैक, क्या बोलते हैं, पैक, पैक कार्ड्स, यानी जो कार्ड्स का जो पूरा बंडल होता है उसको बोलते हैं पैक। ये पैक शब्द कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा।
सेकंड चीज है एक बिट्स, बिट्स का मतलब होता है मोती। अब मोती की जब माला बन जाती है तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग जो शब्द है वो कलेक्टिव नाउन में आएगा। समझ में आ गई थी बात। थर्ड है आपका काउस, जब बहुत सारी गाय इकट्ठा हो जाती है तो उसको जो उसका जो कलेक्टिव नाउन होता है वो कहलाता है हर्ड। क्या कहलाता है बेटा? हर्ड। तो इसमें पैक जो शब्द है वो कलेक्टिव नाउन है, स्ट्रिंग जो शब्द है वो कलेक्टिव नाउन है, और ये जो हर्ड शब्द है ये भी आपका कलेक्टिव नाउन है। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? उसके बाद आगे है आप लोगों का स्वार्म। क्या शब्द है ये? स्वार्म। बीज, बीज मतलब मधुमक्खी, जहां मधुमक्खी गुच्छे में होगी तो उसका उसका कलेक्टिव नाउन क्या होगा? स्वार्म। उसके बाद है कप एंड सॉसर, जहां कप और सॉसर एक साथ होंगे तो उसको बोलते सेट। कप और सॉसर को क्या बोलते हैं? इसको सेट। तो सेट आपका कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। उसके बाद है लायंस, अगर बहुत सारे लायंस एक जगह इकट्ठे हो रहे तो उसको बोलते हैं प्राइड। क्या बोलते बेटा? प्राइड। क्या बोलते हैं इसको? प्राइड। ये आप लोगों को जितने भी शब्द आए, पहला जो शब्द आप लोगों ने पढ़ा पैक, दूसरा शब्द आपने पढ़ा स्ट्रिंग, तीसरा शब्द आपने पढ़ा हर्ड, चौथा शब्द आप लोगों ने पढ़ा स्वार्म, उसके बाद आपने पढ़ा सेट, उसके बाद आपने पढ़ा प्राइड, ये सब शब्द कौन से नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। लास्ट में आप लोगों को ये एक्सरसाइज है, टेक द थिंग्स यू वुड डू इफ यू वेंट टू सी अ ब्यूटीफुल गार्डन, पुट क्रॉस अगेंस्ट द थिंग्स यू वुड नॉट डू। आपको जिस चीज को आप गार्डन में जाकर के करेंगे उसको सही का टिक लगाना, और जिस चीज को आप नहीं करेंगे उसको आपको गलत का टिक लगाना है। जैसे पहला सेंटेंस दिया है, आई वुड एंजॉय लुकिंग एट द फ्लावर, मैं अगर गार्डन में जा रही हूँ और मैं वहां पर फ्लावर देख रही हूँ तो हम उसको उसको देख करके इंजॉय करें, खुश हो रहे, तो ये सेंटेंस सही है? तो हाँ ये सही है, तो इसको आपको सही का टिक लगाना है। आई वुड प्लग द फ्लावर, मैं उस गार्डन के फूल को तोड़ रही हूँ, तो ये क्या सही है सेंटेंस? तो नहीं है, तो ये होगा आपका रॉन्ग। आई वुड स्मेल द सेंट ऑफ द फ्लावर, तो हम उस फ्लावर की खुशबू ले रहे हैं, तो ये सही है। आई वुड आस्क द ग्रोन अप्स टू टेल मी द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स, हम उसका नाम पूछ रहे हैं, उस फ्लावर्स के नाम पूछ रहे हैं, ये भी सही है। आई वुड रन अराउंड टू एंड प्ले इन द गार्डन एंड नॉट बॉदर अबाउट द फ्लावर्स, यानी हम उस पेड़ के आजू बाजू घूम रहे हैं, उसको फ्लावर्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको टकरा रहे हैं, तो ये चीज क्या है बेटा? गलत है, हम वहां पर केयरफुली रहना है हमें, तो ये जो सेंटेंस है आपका क्या है? गलत है। ये मैंने आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराई हूँ आप लोगों को चैप्टर की, लेकिन इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज दी है आप लोगों को, पूरी एक्सरसाइज कॉपी में करते हुए जो जो मैंने कहा है आप लोगों को आपको कॉपी में करना है। तो सबसे पहले मैं फिर से उसको रिवाइज कर रही हूँ कि सबसे पहले आपको यूनिट वन की जो ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल की जो पोयम है और जो उनके राइटर है, इसको कॉपी में लिखना है, और लिखना ही नहीं, इसको 5 से 10 बार 20 बार इसको रीड करना है, इसकी स्पेलिंग याद करना है और इस पोयम को याद करना है। मैं आप लोगों से ये होमवर्क में आप लोगों का यही होमवर्क होगा कि आपको ये पूरी पोयम को विथ स्पेलिंग सहित रीड करके इसको याद करके लिखना है। ये पहला होमवर्क है आपका। सेकंड होमवर्क आप लोगों के एक्सरसाइज से है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज है जो आपके बुक में दी है। ये एक्सरसाइज को आपको ये नहीं देखना है कि आपको ये वर्ड्स दिए जाएंगे, आपको ये मैंने बताई थी इसको स्माइल्स बोलते हैं, इसको याद कर लेना है। एस आई एस माउंटेन, माउंटेन की स्पेलिंग आपको याद हो जानी चाहिए, इंसेक्ट की स्पेलिंग आपको याद हो जाना चाहिए। तो ये जितने आपको सेंटेंस दिए थे 8 सेंटेंस, आपको इसको तैयार कर लेना है, ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्लियर? थर्ड एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को बोली थी, थर्ड क्वेश्चन ये वाला कि राइट द कॉमन नाउन, ये वाला एक्सरसाइज मैंने बोली थी कि माउंट एवरेस्ट तो क्या है? माउंटेन है। विराट कोहली क्या है? तो क्रिकेटर है। तो ये क्रिकेटर की स्पेलिंग आप ये एक्सरसाइज के इसमें मत देखिए कि इसमें बॉक्स में तो लिखा रहेगा, परीक्षा में दिया रहेगा, आपको इतनी स्पेलिंग याद करनी है ताकि आप लोगों को ये स्पेलिंग याद होगी तो आपके लिए आप एक अच्छी अच्छी चीज़ होगी कि आप एक नए शब्द को याद कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद आप लोगों को जो अगला क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल फॉर्म्स, इस प्लूरल फॉर्म्स में आपको ईएस लगाने वाले प्लूरल फॉर्म, उसके बाद आईईएस लगाने वाले प्लूरल फॉर्म, उसके बाद वीईएस लगाने प्लूरल फॉर्म, और पूरी स्पेलिंग चेंज होने वाले प्लूरल फॉर्म दिया है। एस वाले प्लूरल फॉर्म नहीं दिया है, क्योंकि नहीं दिया है क्योंकि वो पहले ऑलरेडी आप लोगों ने सेकंड क्लास में पढ़ा है। थर्ड में इससे थोड़ा ऊपर उठ करके ईएस लगाने वाले, आईईएस लगाने वाले, वीईएस लगाने वाले और अलग स्पेलिंग वाले आपको प्लूरल फॉर्म दिए। ये पूरे प्लूरल फॉर्म जितने भी होते हैं आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और इसको याद करना है विथ स्पेलिंग। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया?
अगला क्वेश्चन जो आपको एक्सरसाइज बुक में कॉपी में करनी है वो है ये मैच द कॉलम कि कलेक्टिव नाउन शिप के, जैसे आपको शिप बोला है तो उसका उसके कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं, कि उसको फ्लॉक बोलते हैं, बनानास को आप क्या बोलते हैं तो बंच बोलते हैं। ये पूरी वाली एक्सरसाइज आपको, याली एक्सरसाइज आपको कॉपी में करना है। ये तीन चार जो एक्सरसाइज मैंने कहा है ये आपको होमवर्क है, इस चीज़ को आपको कॉपी में करना है। बाकी एक्सरसाइज आपने बुक में कर लिया है, मेरे साथ साथ करते चले जाइएगा, धीरे धीरे देख देख करके करते चले जाइए। आपके पेरेंट्स इसमें मदद करेंगे क्योंकि आपको हर चीज़ समझेगी नहीं, तो आपको पेरेंट्स को साथ में बैठा करके आपको ये एक्सरसाइज अपनी बुक में कर लेना, कंप्लीट कर लेना। क्लियर? तो आज बस इतना ही, अब अगले दिन हम अगला सेकंड चैप्टर आपका पढ़ेंगे, ठीक है।